आज डिप्रेशन के बारे में आपको बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिप्रेशन जो है आज यूनिवर्सल डिजीज बन चुकी है। पहले भी डिप्रेशन थी, मगर आज जो डिप्रेशन का रूप है काफ़ी वसी हो चुका है, बढ़ चुका है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करना हो तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसकी डिस्टर्बेंस से ये सारी बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है, पहला रूप और है, दूसरा रूप और है, तीसरा रूप और है, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और इनकी इलामत अलग अलग है। अब मेडिकल साइंस क्या करती है कि इसको एंटी डिप्रेसेंट साल्ट देके दबाने की कोशिश करती है। ट्रैंक्विलाइजर हैं और बहुत सारी मेडिसिन, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, मगर ये ऐसा ही होता है जैसा कोई बटन दबा दे और पंखा बंद हो जाए, बटन ऑन करे तो फैन शुरू हो जाए, मगर इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वहीं के वहीं रहती है। हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो फिर स्थिति वहीं आ जाती है। और आयुर्वेद के अंदर भी इसके इलाज हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसका, जैसे ब्रह्मी बूटी है, चारे मगज है, अश्वगंधा है, ये सब इसमें दबाने का काम करती है, इस प्रॉपर डिप्रेशन को ठीक करने का कार्य मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। आज हर मनुष्य इससे परेशान है, छोटा हो तो बड़े होने की कोशिश में डिप्रेस हो जाता है, बड़ा है तो वो छोटे होने की, मैं कहीं गिर ना जाऊं, इस चिंता में, इस टेंशन में डिप्रेस हो जाता है। इसका जो असल कारण है वो हमारे थॉट्स हैं। हम थॉट्स क्योर के ऊपर ही बात करेंगे आज, भाई अपने ही विचारों से अपने ही आप को शुद्ध कैसे करें, पवित्र कैसे करें या बीमार कैसे करें, हमारे अपने हाथ में है। और जब डिप्रेशन होती है तो उस मनुष्य क्या निशानी होती है, हरदम उदास रहना, चिंताग्रस्त रहना, किसी से बातचीत ना करना, सेवन करना नशों का, शराब का, अफीम का, पोस्ट का, दवाइयों का, अपने मन को शांत करने की कोशिश में वह आदमी दुविधा में पड़ा हुआ अपने जिस्म को, अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लेता है। शुरुआत छोटी छोटी बातों पे होती है, उसको ना सह पाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने की जो उसकी दौड़ है वो मिल नहीं पाती तो डिप्रेस हो जाता है, और अगर मिल जाए तो भी खुशी नहीं मिलती तो भी डिप्रेस हो जाता है। अब इसका क्या इलाज किया जाए कि हमारे जो सेल के अंदर अच्छे हार्मोन्स पैदा हों, डोपामाइन हो पैदा हो, सेरोटोनिन पैदा हो, वो हमारी सोच के ऊपर है, हमारी ख्याल के ऊपर है। जैसा हम ख्याल करते हैं वैसा हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, वही हार्मोन्स हमें उत्तेजित करते हैं कुछ कार्य करें, क्रिया करें। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, पाने की लालसा पैदा हुई, उसे पाने के लिए शरीर ने हरकत की, उसे पा लिया, चाहे वो अच्छी लगी
चाहे बुरी लगी, ये बाद की बात है। अच्छी लगी तो लोभ बढ़ गया, बुरी लगी तो क्रोध आना शुरू हो गया, उससे आदमी ड्यूअलिटी में जाके डिप्रेस हो जाता है और इसी से फिर वो और कई बातों में ग्रस्त हो जाता है। जैसे कईयों को भूत नजर आने शुरू हो जाते हैं, हॉलिसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, कईयों को वहम हो जाता है कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे जहर दे रहा है। ये बड़ी उस स्टेज के ऊपर है। पहली स्टेज के ऊपर तो इसका इलाज संभव है, पर जब स्टेज दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए, तो इसका इलाज असंभव सा हो जाता है। मगर आयुर्वेद के अंदर जो प्राकृतिक इलाज है, जैसे योग है, प्राणायाम है और रेकी है और प्राणिक हीलिंग है, समाधि योग है, इससे धीरे धीरे उसके विचारों को परिवर्तित करके शुभ भावना करवाई जाती है और धीरे 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 उसके अंदर जो अच्छे रसायन हैं वह पैदा होने शुरू हो जाते हैं और आदमी स्वस्थ हो जाता है। इस ढंग से इसका इलाज है। और इसको जब हम शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की तकलीफ होने के बाद एक आदमी अपने को स्वस्थ महसूस करता है, चलता है, यारों दोस्तों से मिलता है, मगर समता में रहता है। समता भाव जो है हमारी गुरबाणी में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार से कहा गया है, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्याप्य रोग। चिंता के विचार करते करते देह में रोग आना शुरू हो जाता है। और जब हम सिमरन की तरफ चलते हैं, अध्यात्म की तरफ चलते हैं, तो सर्व रोग का औषध नाम कहा गया है। नाम सिमरन है, अच्छे विचारधारा है। जैसा ही विचार करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे और मन हमें हरदम खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, प्रेम में रहेगा। तो इन बातों को अपनाते हुए इस चैप्टर को यहीं बंद करते हैं। आगे कुछ फिर टाइम लगा, बहुत लंबा चैप्टर है ये, दो चार बातों में पूरी ढंग से समझ भी नहीं आ पाएगा, मगर आ जा के सारी बात हमारे विचारों के ऊपर है। शुभ विचार, समता के विचार हमें इस सफ़र को जो हमें परमात्मा ने दिया है, ये ज़िंदगी दी है, अच्छे ढंग से ये व्यतीत होती है। बुरे विचार, दुर्विचार, इससे हमारी जीवन की गाड़ी टकराती रहती है, गड़बड़ाती रहती है और बीमार दुखी होके हम अपना सफ़र पूरा करते हैं। आम एक एग्जाम्पल है, गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ लोग हंसते खेलते प्रेम से करते हुए आपस में जा रहे हैं और कुछ लोग लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे की पगड़ी उछाड़ते हुए जा रहे हैं, मगर सफ़र ने तो ख़त्म हो ही जाना है। तो दोस्तों, अच्छे ढंग से जिए, अच्छे हार्मोन्स पैदा करें, योगा करें, प्राणायाम करें और श्वास क्रिया को ढंग से करेंगे, कई विधियां हैं, ढंग से करेंगे तो हमारे सारे जिस्म का कायाकल्प होना लाजम है। जिज्ञासावश कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मेरे फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, 999-605-0956। मैं डॉक्टर प्रीतपाल सिंह 3 पीढ़ियों से योगा की, आयुर्वेद की सेवा में रत हूँ, योगाचार्य भी हूँ, रेकी प्राणिक हीलिंग मास्टर भी हूँ और एक्यूपंक्चर का भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। कोई मेरे से पूछताछ करना हो, आना चाहे तो रेलवे रोड के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल जो है लड़कों का, जो सदर चौकी को सड़क मुड़ती है, 11 नंबर मेरा क्लिनिक है, वहाँ आके मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें। धन्यवाद।